हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हुई है और आज हम जाने वाले हैं रमना मैदान, और रमना मैदान में हमारा ब्लॉग बनने वाला है क्योंकि वहाँ पे लगा है उद्योग मेला। और आज उद्घाटन करने वाले हैं हमारे उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जी। तो फिर अब मिलते हैं सीधे रमना मैदान में। दोस्तों, ये रहा हमारा एंट्री गेट और ये काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहा है। चलते हैं अंदर की ओर फिर और एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। आप जैसे इंटर करोगे इस उद्योग मेले में तो आपको फास्ट फूड कॉर्नर दिख जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत तरह के फास्ट फूड मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं ट्रैक्टर, यानी कि बहुत सारे कुशवाहा कृषि यंत्र मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ कृषि से रिलेटेड जो भी व्हीकल्स है यहाँ पे मिल रही हैं। और यहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं। दोस्तों, मैं अंदर आ गया हूँ। अब दोस्तों, हमारे उद्योग मंत्री यानी कि सैयद शहनवाज हुसैन जी आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको दिख रही होगी। हमारे उद्योग मंत्री अभी एक स्टॉल के पास हैं और वहाँ पे वो निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे बीच एक बार फिर हमारे खास मेहमान पहुंच चुके हैं मंच पर, माननीय उद्योग मंत्री श्री सैयद शहनवाज हुसैन जी। नेशनल एमएसएमई एक्सपो 2022 का जो स्वरोजगार मेला है, इसमें आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन भोजपुर से हमारा लगाव है, रिश्ता है, यहां के लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है, मोहब्बत है। धारा घर बात कौन बात का डर बात। दोस्तों, मैं एक लेदर के स्टॉल के पास आया हुआ हूँ, तो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें लेदर के मिल रही हैं उस स्टॉल। सामने आपको लेदर के बैग दिख जाएंगे और इनके जो शेप यानी कि डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अलग है। अगर छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, हर शेप एंड साइज़ में यहाँ पे मिल जाएगा। हैंड बैग भी अवेलेबल है यहाँ पे। कोई आप लोग का फिक्स रेट है क्या? नहीं, अच्छा 50 रुपये से शुरू है और अच्छा 1,000-1,500 तक। तो मैं अभी एक दूसरा स्टॉल के पास आया हुआ हूँ और यहाँ पे ये पेंटिंग्स मिल रही हैं और ये काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाली हैं, क्योंकि देखा जाए तो मुझे लग रहा था कि ये मधुबनी पेंटिंग है, बट ये मधुबनी नहीं, ये बिंदिया पेंटिंग है जो कि पटना में बनाई जाती हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको इन पेंटिंग्स की खूबसूरती आपको भा जाती है तो आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। ये जो उद्योग मेला है ये 4 मार्च से 7 मार्च तक ही रहने वाला है। जब कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको मशीन दिख रही होगी, इससे वेस्टेज से गैस बनता है, तो ये काफी अच्छी बात है।
दोस्तों ये जितने भी बेडशीट्स आपको दिख रहे होंगे इन आंटी ने खुद से ही बनाया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेहद खूबसूरत है ये सब बेडशीट्स। ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी मुझे अच्छा लगा क्योंकि इनका प्रयोग करके हॉटपॉट में रखे रोटियों को गीला होने से बचा सकते हैं और काफ़ी सस्ते दामों में मिल भी रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ इस स्टॉल पे आप देख लोगे वुडन क्राफ्ट से बने हुए खिलौने आपको मिल रहे हैं। और देखने भी बेहद खूबसूरत है। मैम आपने खुद बनाया है? ओके, बेहद खूबसूरत है। ये जो बैलगाड़ी है इसका क्या प्राइसिंग है? हाँ हाँ 2000। प्लास्टिक को कहें ना, ये बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हो? आरा से ही हो? जगदीशपुर। अच्छा जगदीशपुर। तो आपके सामने ये जो कुछ भी दिख रहा है वो एक रोबोट है और ये बहुत सारी चीजें काम करता है। और पटना की आकांक्षा श्रीवास्तव है, तो चलते और हम उनसे बात करते कि ये जो रोबोट है क्या क्या काम करता है। ये रोबोट क्या क्या काम करता है? ये किसी भी पेशेंट का बेसिक पैरामीटर्स जो होता है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पल्स, बीपी, शुगर, ईसीजी, हार्ट एंड लंग कंडीशन, इन सब चीज़ों को मेजर करता है और रियल टाइम में जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर को सेंड कर देता है। इससे क्या है कि डॉक्टर को पेशेंट के पास आने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें कैमरा है जिसके थ्रू डॉक्टर पेशेंट को देखेगा, स्क्रीन है जिसके थ्रू पेशेंट डॉक्टर को देखेंगे। फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, खाना पहुँचाना, पानी पहुँचाना, दवा पहुँचाना, सैनिटाइजेशन के लिए भी हो सकता है। थैंक यू। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों ये वाला स्टॉल पे आपको मछली पालन कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी भी देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें इस मछली पालन का बिजनेस करना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर आप इंटरेस्टेड हो मछली पालन में तो आप यहाँ आके इनसे जानकारी ले सकते हो। तो पटना से हूँ, एलटी फूड्स कंपनी हमारी। ओके, दावत की। तो उसके थ्रू आप यहाँ पे आए हो, स्टॉल लगाए और सेल कर रहे हो। तो दोस्तों ये जो भाई साहब हैं यहाँ पे बासमती चावल सेल कर रहे हैं। अगर आपके घर में बासमती चावल ख़त्म हो गए तो डेफिनेटली आओ और यहाँ से ख़रीदारी करो। तो दोस्तों मैं एक स्टॉल के पास आया हुआ हूँ और ये सबसे मेरे लिए, खासकर मेरे लिए काफ़ी खास स्टॉल होगा क्योंकि यहाँ पे वो आपको बताएंगे हम अपने वातावरण को किस तरह से शुद्ध रख सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे वो प्लांटेशन के बारे में आप सबको बताएंगे। तो चलते हैं और उनसे हम पूछते हैं और बहुत सारी चीज़ें बातें करते हैं उनसे। ट्रीमन है, मेरा गाँव पड़ता है देवनगर पकड़िया पर और हम यहीं आरा शिवगंज में रहते हैं। छत पर साग सब्जी रोप करके और खा रहा हूँ। और देखिए ये टमाटर लगाए हैं, मिर्चाई लगाए हैं, आपका बैंगन है, धनिया है और ये पालक साग है। तो सभी भोजपुरवासी से, सभी बिहारवासी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने छाता पर भी किचन गार्डन बनाइए और मात्र आधा घंटा समय दे करके आप जैविक खेती कर सकते हैं। साग सब्जी खाने का भी मिल जाएगा। जो बेस्ट सब्जी आप किनते हैं, जो छिलन वगैरह है उसको बटोरिए, एक डब्बा में रखिए और उसको रखिए, रखते 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 नल नीचे लगा दीजिए और 20 दिन पर आपको एक दिन चलाना है। 3 महीना में आपका जैविक खाद दिया। और नीम का खली जो है, नीम का वाइल जो है उससे स्प्रे करिए, कोई कीट पतंग जो है, दुश्मन कीट पतंग सब मर जाएगा। नीचे पेड़ लगाइए, सब्जी खाइए, पेड़ लगाइए, पत्ता खाइए। हमारा संस्था है विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान, आरा भोजपुर आनंद विहार। तो हम एक स्टॉल के पास आए हुए हैं जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन चाव नाम की कंपनी के बहुत सारे नूडल्स मिल रहे हैं। ये छोटा वाला है, 15 रुपए का है। ओके, मैं चाहूँगा डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स आए और आपके प्रोडक्ट को खरीदें। और यहाँ पे आपको डिटर्जेंट पाउडर मिल रहा है, इनकी प्राइसिंग क्या है? ये 120 का है 2 केजी। अच्छा 120 का है 2 केजी। और काम अच्छे से करता है साफ? काम जो है इसका फिर मतलब जवाब नहीं है बोल करके अपने मुंह से। तो जब तक लोग अपने से यूज नहीं करेंगे बखान तो लोग ही करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो हम
ब्रांड एम्बेसडर जो है मैथिली ठाकुर है जो पूरे बिहार की हाँ जी शान है। दोस्तों ये जो स्टॉल है इस पे आपको मोती पालन सिखाया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो मोती किस तरह से पालन किया जाता है तो आप आके इन भाई साहब से मिलके और खेती के बारे में आप जान सकते हो। ये जो मोती है वो आपने खुद किया है जी? ओके, देखिए कितने दिन में सिखा देते हैं? दो दिन में। मैम आपने ये सब बनाया है तो फाइनली मैंने आप सबको उद्योग मेला का ब्लॉग दे दिया है और जैसे मैंने आप सबको बताया कि ये जो मेला है 4 से 7 मार्च तक ही रहेगा। और नया गाना सुना क्या आपने? नहीं सुना तो जाके सुनो, प्लीज जाकर सुनो, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। हाँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको दे दूंगा और आप जाके हमारा गाना सुन लो जो कि हमारा गाना किसने गाया है? फाइनली मैंने आप सबको उद्योग मेला का ब्लॉग दे दिया है। अब आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा है। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।